हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 12th का जो आज ज्योग्राफी भूगोल का समाज 3.0 का 3 अगस्त 2021 का होमवर्क आया वो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण घनत्व में वृद्धि। पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में इंसान की जनसंख्या हर साल लगभग 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक है, उच्चावत, भूकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं, आर्थिक कारक, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक आदि। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। किसी भी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या को उस देश के या क्षेत्र के जमीनी क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र चीन में सिक्यांग, यांगसिक्यांग नदी के मैदानी भाग, भारत में गंगा जमुना के मैदानी भाग, पाकिस्तान में सतलुज सिंधु के भाग, जापान में क्वांटो के मैदानी भाग, उत्तरी अमेरिका में 5 जिलों के समूह क्षेत्र, इंडोनेशिया में आदर्श स्वरूप वाले द्वीपों, बांग्लादेश में नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र आदि। पांचवा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि वर्ष 2017 की 1.38 बिलियन जनसंख्या से बढ़कर लगभग 1.6 बिलियन हो जाएगी। वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या 1.09 बिलियन अनुमानित की गई है। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2100 में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो इस तरह से आज जो आपका स्मॉल 3.0 का कंप्लीट होता है, करके फटाफट टीचर को दिखाइए। थैंक यू।